फ्रेंड्स, नेपाल घूमना किसे पसंद नहीं है, और वो भी विस्तारा एयरलाइंस के साथ। जी हाँ, विस्तारा एयरलाइन ने अपनी 5वीं इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान की घोषणा कर दी है। ये 5वीं इंटरनेशनल फ्लाइट काठमांडू के लिए शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइन ने पिछले साल के अगस्त महीने में अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की थी, और काठमांडू से उड़ान शुरू करने के बाद ये विस्तारा की 5वीं इंटरनेशनल उड़ान हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विस्तारा ने इस इंटरनेशनल उड़ान की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है कि वह दिल्ली से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 11 फरवरी 2020 से शुरू करने जा रही है, जिसका बेसिक प्राइस 9,999 रुपये रखा है। ये इसका इंट्रोडक्टरी रिटर्न फेयर है, यानी कि जो यात्री अभी नेपाल घूमने जाना चाहते हैं, या उनका होम टाउन नेपाल में है, या फिर किसी अन्य काम से नेपाल जाना चाहते हैं, वो यात्री विस्तारा एयरलाइंस की इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइन टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की जॉइंट वेंचर कंपनी है। विस्तारा एयरलाइन इंडिया में फुल सर्विस मॉडल पर काम करने वाली एयरलाइन है, और जेट एयरवेज के बंद होने के बाद जिन यात्रियों को फुल सर्विस मॉडल की एयरलाइन पसंद है, वो विस्तारा की तरफ ही अपना रुख बना रहे हैं। विस्तारा एयरलाइन एयर इंडिया के मुकाबले अच्छी सर्विस देती है, और विस्तारा एयरलाइन की सर्विस एयर इंडिया की सर्विस से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विस्तारा की ये फ्लाइट दिल्ली से दोपहर 2 बजे रवाना होगी, और रोजाना शाम 4:15 पर काठमांडू पहुंच जाएगी, और उसी दिन काठमांडू से 5:15 पर रवाना होगी तो शाम 6:45 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको विस्तारा की इस फ्लाइट की और अधिक जानकारी लेनी है तो आप इसकी साइट पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।